हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लाइट पहले हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ये कोई पॉलिश सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिश सरफेस है। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट किसी भी जो शाइनी चीज होती है, शाइनी ऑब्जेक्ट होता है, उस पर क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन होता है किसी भी शाइनी चीज पे। ठीक है, जैसे अभी जैसे कोई कपड़ा है, कपड़े पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो वो शो थोड़ी ना होती है। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड है इस पे करेगी तो इस पे क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जैसे देखो कि ये क्या, कौन सी सर्फेस है? ये पॉलिश सर्फेस है। ठीक है, ये पॉलिश सर्फेस है। इसका जो एक साइड है वो क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है ये। ठीक है, जो ऐसे आपको ये डॉट डॉट करके दिखा रखा है। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर हम पढ़ते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, ये एक लाइट है, ये क्या करवाई? लाइट इंसिडेंट करवाई। तो इस ये जो लाइट है, इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, ये जो सरफेस है इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन आई है उसको बोलते हैं नॉर्मल, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। ये जो लाइट आई है, ये लाइट सरफेस से टकराएगी और क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो बनता है, ये जो एंगल होता है, ये होता है एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आर को क्या बोलेंगे? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहली रे लाइट होगी स्मूथ पॉलिश सरफेस। ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये कैसी है? स्मूथ पॉलिश सरफेस। एंड द लाइट रे बाउंस बैक, ये लाइट क्या कर जाती है? बाउंस बैक कर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये जो लाइट है ये क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। किसमें? द सेम मीडियम, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये क्या एक प्लेन सरफेस है? क्या एक प्लेन सरफेस है? ये जो पूरा है ये प्लेन सरफेस में है, तो क्या है? सेम मीडियम में है। ये जो मीडियम है ये क्या है? सेम, जहां से लाइट इंसिडेंट होती है उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके क्या पढ़ेंगे? दो लॉ पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले लॉ के बारे में देखते हैं। ये क्या थी? एक पॉलिश सरफेस थी। ठीक है, यहाँ क्या करवाई? एक लाइट है वो इंसिडेंट करवाई। इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, और ये जो लाइट बाउंस बैक करती है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है वो क्या करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था? ये वाला एंगल था, जो एंगल आई, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कौन सा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो पहला जो केस है वो क्या बोलते हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? पहला जो नियम है वो क्या बोलता है कि एंगल आई वो बराबर होगा किसके? एंगल आर के। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि अगर कोई लाइट, ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे। अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो क्या करती है? जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो ये जो एंगल बनती है, एंगल आई और एंगल आर दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा इसने क्या बोला कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड रे। ये जो तीनों चीज होती है, एक तो इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही क्या होती है? एक सेम प्लेन में होती है। किसमें होती है? सेम प्लेन में होती है। ये क्या कहता है इसका? दूसरा लॉ कहता है। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, ये जो नियम होता है
स्पेयर का मतलब आप कोई बोल ले सकते हो, कांच की बोल ले सकते हो, ऐसा स्पेयर होता है, ठीक है। यहाँ स्पेयर ऐसे कोई सर्किल सा बनेगा तो आप इसको मान लो कि ये कोई स्पेयर है, ठीक है। इस स्पेयर को क्या कर दिया, दो चीज में डिवाइड कर दिया, इस मिरर, इस स्पेरिकल मिरर को क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। अब ये कैसा बन गया देखो, ये मिरर कुछ कैसा बन गया, ऐसा हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या बन गए, दो मिरर बन गए, ठीक है। अब इसमें से एक मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव, और एक को क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स। तो ये जो मिरर होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स। अब देखो आगे सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं दोनों को। तो पहले देखो कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। तो देखो ये जो मिरर होता है, ठीक है, जो धसा हुआ होता है, ऐसे जो होता है ना, ऐसे ये जो धसा हुआ पार्ट होता है, ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो ये जो मिरर होता है इसका ये जो पोर्शन है ये कैसा है, धसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसकी जो एक सरफेस है वो क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। अभी अब देखो इसके अंदर क्या देखते हैं, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि ये देखो ये पूरा एक्चुअल में क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, पूरा स्फीयर बन रहा है। तो देखो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको डिनोट करते हैं सी से, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ कि पी को क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, या तो इसको बोल सकते हैं फोकस, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आगे देखो, सी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के जो बीच की डिस्टेंस है वो होती है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो आर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एफ फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस या प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और जो फोकस होता है, फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ है वो आर की क्या है, आधी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि आर है वो फोकल लेंथ का क्या है, दुगना है। तो ये क्या होता है, आर इज इक्वल टू टू एफ, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है, एक ही बात है। तो ये होता है इसके अंदर स्पेरिकल मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सी होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ कैपिटल एफ को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल फोकस, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे सेम किसमें होता है, कॉनवेक्स मिरर में होता है। जैसे देखो कॉनवेक्स मिरर में क्या होगा, कॉनवेक्स मिरर में क्या होता है, ऐसे जो भाग होता है ना, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, यहाँ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उभरा हुआ जो भाग होता है उसकी लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होती है, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला भाग है वो कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। ये जो भाग है ये कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। और ये कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स मिरर है, ठीक है। और वो कैसा था, कॉनकेव मिरर था। अब देखो इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, जहां से लाइट इंसिडेंट करती है उसकी क्या मिलेगी, पीछे मिलेगी। तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है,
फोकस पॉइंट या किसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी फोकल लेंथ, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके लिए भी सेम चीज होती है आर इज इक्वल टू टू एफ, यहाँ ये वाला जो एफ है वो क्या है फोकल लेंथ है, तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, ये किसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्स मिरर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो किरणें आती है जो लाइट की रे आती है उनको क्या करता है फैलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे डाइवर्स मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइटों को क्या करता है फैलाता है। और जो कॉनकेव मिरर होता है, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करता है लाइट को इकट्ठा करता है, तो इनको क्या बोलते हैं कन्वर्स मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, पहले इसके क्या करेंगे तीन लॉ समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये जो मिरर है अपना कौन सा मिरर है अभी कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, तो देखो कॉनकेव मिरर में बार वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ भाग है ये जो दसा हुआ भाग है यहाँ क्या होती है लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा बड़ा बन गया है, ये देखो ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है अंदर दसा हुआ होता है, इसी पे क्या करती है लाइट इंसिडेंट करती है। अब हम पढ़ेंगे इसके तीन रूल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या होता है, देखो ये क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये क्या होता है पोल होता है, ये होता है अपना प्रिंसिपल फोकस या फोकस, और ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो जब आप कॉपी में डायग्राम बनाओ तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर की लेनी चाहिए, उससे जो आपका डायग्राम वो परफेक्ट आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है जो फोकस होता है वो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के क्या होता है बीच में होता है, तो ये कहां होगी 3 सेंटीमीटर पे होता है ये। ठीक है, तो मतलब इससे आपका डायग्राम वो सही आएगा। देखो हमने इसके बीच में लिया है, तो इसके तीन रूल होते हैं वो पढ़ते हैं। पहला रूल क्या करता है कि अगर कोई लाइट क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी पैरेलल आएगी, तो वो कहां से जाती है फोकस से गुजरेगी। जैसे देखो कि अगर ये कोई लाइट है ये लाइट इंसिडेंट करवाई पैरेलल किसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है पैरेलल आई है। ठीक है, तो ये कहां से निकलेगी ये फोकस से जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है पैरेलल आती है तो वो कहां से गुजरेगी फोकस से निकलेगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है देखो, ये कोई पॉलिश सरफेस है, ये क्या है अपना पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइन कहां से आएगी फोकस से गुजरेगी तो वो क्या करेगी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कि अगर कोई लाइट कहां से आती है फोकस से गुजरती है तो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला क्या था पहला रूल था, ये पहला रूल है कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है पैरेलल आती है तो फोकस से क्या होगी फोकस से निकलेगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है इसका कि अगर कोई लाइट ये पी है, ये क्या है अपना फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो वापस भी कहां से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। ठीक है, क्या कहता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आएगी वापस होगी। चौथा रूल इसका क्या कहता है कि अगर कोई लाइट पोल से निकलती है, कहां पर रिफ्लेक्ट करती है पोल से, पोल पर इंसिडेंट करती है, पोल कहां होता है अपना ये क्या है पोल, ये फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि अगर कोई लाइट पोल पर क्या करती है इंसिडेंट करती है तो वो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, पोल में क्या होता है कि अगर कोई लाइट पोल पे क्या करती है इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो एंगल होता है, एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के, जो हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, समझ में आया चारों रूल? चारों रूल। पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आएगी, पैरेलल आएगी, तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अगर फोकस से निकलती है तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आती है तो वापस में कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल पोल पर इंसिडेंट करवाते हैं तो जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतनी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ा अभी, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है। अब क्या देखेंगे, कॉनवेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। ऐसे कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं कॉनवेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो कॉनवेक्स मिरर में भी क्या होती है, चार रूल होते हैं। तो चार रूल देखते हैं, वो रूल क्या क्या होते हैं। पहला रूल कॉनकेव मिरर के लिए क्या बताया था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो देखो ये कोई लाइट है, ये कहाँ आई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई, पैरेलल आई, फोकस पे गई और ट्रैक करके क्या रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली गई, फोकस से वापस चली गई। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइन कहाँ आती है, फोकस पर आती है, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, ये कौन सा रूल है, तीसरा रूल है कि अगर कोई लाइट कहाँ आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो क्या होगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। ठीक है, और फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट पोल पर क्या करती है, इंसिडेंट करती है, तो जितने एंगल से करती है उतनी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें क्या होता है, एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। ये जो चार रूल होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चाहें तो इनका डायग्राम कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनकी इमेजेस के बारे में। ठीक है, तो पहले देखो किसके इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कॉनकेव और कॉनवेक्स, कॉनकेव में कॉनवेक्स जो इमेज मिरर होता है उसमें दो इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कॉनकेव होता है उसमें छह इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं, पहला शुरुआत करते हैं कि एट इनफाइनाइटी, जब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए और बी नाम से इसको डिनोट किया गया है। तो देखो ये ए और बी, ये क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट से क्या आएगी, कोई रे आती है और वो क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी, तो कहाँ जाएगी, फोकस से निकलेगी। और अगर कोई लाइट फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ इंटरसेक्ट कहाँ किया, फोकस एफ पर किया। ठीक है, तो देखो इसके नेचर के बारे में लिखते हैं, इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब है कि इसका साइज कैसा है। ठीक है, ये छोटी है या बड़ी है वो लिखनी है, और कहाँ पर बनी है, तो कहाँ बनी है पहले वो देखते हैं, एट फोकस। ठीक है, और कैसी बनी है, पॉइंट साइज बनी है, हाईली डिमिनाइज्ड बनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाईली, क्योंकि ये क्या बनी है, बहुत छोटी बनी है, पॉइंट साइज की बनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और दूसरा कैसी बनी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है, मिरर के सामने बनी है, तो कैसी बनी है, रियल बनी है। और रियल के साथ क्या आता है, हमेशा इन्वर्टेड आता है। ठीक है, क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। तो कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अभी कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अरे यार, ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या देख लिया, जब क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट कौन, अपन किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और कॉनकेव मिरर को दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्ज मिरर भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस मिरर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये किरण रे क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में लिखा, ये कहाँ बनी है, इमेज फोकस पे बनी है, कैसी बनी है, हाईली डिमिनाइज्ड बनी है, और कैसी बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं। ठीक है, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी पर रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन क्या आएगी, पैरेलल आएगी, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, और जब फोकस से आती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से निकल जाती है। और जहाँ ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है। ए डैश और बी डैश क्या बनी है, इमेज बनी है। तो कैसी बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और सेम साइज की बनी है,
ठीक है, रियल बनी है तो इसके नेचर के बारे में लिखते हैं, कैसी बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, दूसरा साइज क्या है, सेम है, ठीक है, बनी कहाँ पे है, सी पे बनी है, एट सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी रख दिया, ए और बी ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, तो पहले रे आएगी, ठीक है। जब कोई रे कैसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से आती है तो क्या कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है, ए डैश और बी डैश क्या है, इमेज है, कैसी बनी हुई है, इन्वर्टेड बनी हुई है, कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में बनी है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में लिखते हैं, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, और कहाँ बनी है, एट बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी और एफ के कहाँ बनी है, बीच में बनी है, और कैसी बनी है, मैग्नीफाइड, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी रखा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ये है अपना सी, और कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में, ए और बी ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जब पहली लाइन है, पहली जो लाइट है वो क्या करवाई, इंसिडेंट करवाई, तो क्या हो गई, फोकस से निकलेगी, ठीक है। दूसरी लाइट अगर फोकस से आई तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, तो क्या बन गई, ए डैश बी डैश ये क्या बन गई, इमेज बन गई, इमेज कहाँ बनी है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी बनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैसी बनी है इमेज, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, और कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी बनी है, ठीक है। इमेज कैसी बनी है, कैसी है, शॉर्ट है या लार्ज है, तो कैसी बनी है, मैग्नीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखो अगर ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, अभी फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रख दिया, तो देखो जब लाइट कहाँ होती है, पैरेलल आती है, तो क्या हो जाएगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है, और जब लाइट कहाँ जाती है, पोल से टकराती है, किससे टकराती है, पोल से टकराती है, तो आपको क्या बताया हुआ था कि जितने एंगल से टकराती है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो जब ये टकराती है तो ये कहाँ तक जाती है, लास्ट में इनफाइनाइट तक जाती है, क्योंकि क्यों जाएगी इनफाइनाइट तक, क्योंकि देखो ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल आती है, तो ये कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, तो इनकी इमेज कैसी होगी, ये कहाँ बनी, इमेज एट इनफाइनाइट, कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, कहाँ बनी है, इन्फाइनाइट पे बनी है, कैसी होगी, रियल बनेगी, रियल तो दिख रहा है, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, आपको बता दिया, जहाँ रियल आएगा वहाँ क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, जहाँ वर्चुअल आएगा वहाँ क्या आएगा, एक्स रेट आएगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो रूल है अपना, जो इमेज का वो फॉर्मेशन, वो कहाँ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो कहाँ, ये अपना क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, बीच में क्या रख दी, ये इमेज रख दी, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई कहाँ से जाती है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वहीं से क्या आएगी, वापस आएगी, ठीक है। अगर कोई लाइट कहाँ भेजती है, दूसरी लाइट है वो इंसिडेंट करवाती है पोल से, तो जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो एंगल और आई और एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ जो ये दो रे हैं, ये दोनों क्या कर रही है, मिल रही है क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो इनको क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मिलती नहीं है, ओनली क्या होती है, मिलती हुई अपीयर होती हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बनी है, यहाँ इंटरसेक्ट की, तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई, इसको क्या बोल दिया, ए डैश, इसको बोल दिया बी डैश। तो यहाँ इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी बनी है, कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, कौन के मिरर का यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, बाकी पीछे की पांच इमेज में हमने देखा है कि इमेज कहाँ बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगी,
वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी है? बिहाइंड मिरर। ठीक है, ये क्या हो गई? और साइज में क्या बनी है? मैग्नीफाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखो, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला कहाँ होता है? पहला होता है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है किस किस के बीच में? इनफाइनाइट और पोल के बीच में। ठीक है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है इनफाइनाइट के रूप में। तो देखते हैं दोनों के डायग्राम। पहले इसका देखते हैं अभी, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, ये क्या है? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा है। ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये पोल। तो यहाँ क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। तो पहले रे क्या होगी? जब अगर कोई रे कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो क्या होगी? सॉरी, जब कोई रे कहाँ जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलती है। तो ये कि यहाँ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर दूसरी रे कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो क्या होगी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, तो यहीं से क्या हो जाएगी? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब देखो, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? डिमिनाइज बन रही है, छोटी बन रही है। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए, बी, इमेज को नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। तो इसकी इमेज है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ठीक है, साथ में सीधी बन रही है और बन कर रही है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है? डिमिनाइज्ड बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इनफाइनाइट के रूप में। ठीक है, जब इनफाइनाइट में होती है तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ एक बार। ठीक है, देखो ये क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर जो इमेज रखी है वो कहाँ रखी है? इनफाइनाइट पे रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है? इनफाइनाइट पे रखी है। तो अगर इनफाइनाइट से क्या आती है? कोई लाइट आती है तो वो कहाँ जाएगी? पहले पैरेलल आ रही है किसके? एक्सिस के। तो सेंटर फोकस से निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, लाइट आ रही है कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी? इमेज कहाँ बनी? फोकस पे बनी। और कैसी बनी? हाईली डिमिनाइज्ड, पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है? पॉइंट साइज बोल सकते हो उसको, पॉइंट साइज बनी है, बिल्कुल से हाईली डिमिनाइज्ड बनी है। कहाँ पे बनी है? एट फोकस पे बनी है। कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है। ठीक है, वर्चुअल बनी है और सीधी बनी है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के दो ही इमेज फॉर्मेशन थे। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फाइनाइट, इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पे रखा हुआ हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसके यूज़ के बारे में। ठीक है, कॉनकेव मिरर के यूज़ देखते हैं अपन। पहले, कॉनकेव मिरर का यूज़ किस में किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है। जो घर में अपने टॉर्च होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, शेविंग जो मशीन होती है उसमें यूज़ किया जाता है, एक जो मेकअप का मिरर होता है फेस को बड़ा दिखाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। तीसरा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है डेंटिस्ट होते हैं वो यूज़ में करते हैं उसका, दांतों को क्या करने के लिए? बड़ा देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज़। कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू। आगे का चैप्टर वो अगले क्लास में कंप्लीट करते हैं।